देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ में बुधवार को बड़ा राजनीतिक अखाड़ा लगने वाला है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ शहर के करतारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिन में 2 बजे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहब्बतपुरम में एक महाविद्यालय में जनसभा करेंगे। इसके अलावा AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी भी आजमगढ़ पहुँच चुके हैं। उनकी भी बुधवार को मुबारकपुर विधानसभा में जनसभा लग रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी आजमगढ़ सदर क्षेत्र के रानी की सराय चेक पोस्ट पर रोड शो को पहुंची। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र अतरौलिया में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचेंगे। कुल मिलाकर आजमगढ़ में 7 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चारों तरफ राजनीतिक माहौल गर्म है। सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक दी हैं। जनसभा की सफलता को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आजमगढ़ शहर से सटे करतारपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए भाजपाई लगे हुए थे। SDM सदर भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। खास बात है कि मुख्यमंत्री के जनसभा के लिए CM योगी की फोटो के साथ ही बाबा बुलडोजर JCB की फोटो के होर्डिंग भी हाईलाइट किए जा रहे हैं।